नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज से। शनिवार को थाना औद्योगिक क्षेत्र के थाना प्रभारी संजीव कुमार चौबे के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया। यह रूट मार्च थाना औद्योगिक क्षेत्र से लेकर रामपुर मुगारी बेंदो यूनाइटेड सड़वा तक निकालकर लोगों को जागरूक करते हुए अपील की गई कि इस होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द पूर्वक त्यौहार मनाएं। आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों व ग्रामवासियों के साथ में भाईचारे के साथ होली का पवित्र त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इस दौरान आप सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसी के साथ ही कहा कि यदि किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी संदेश दिया जा रहा था कि यदि क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का अवैध कारोबार हो रहा हो तो आप लोग तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिसमें सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही कहा गया कि अवैध जहरीली शराब का सेवन न करें, इससे बचें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। अवैध शराब हानिकारक है, जानलेवा भी हो सकती है। संजीव कुमार चौबे इस दौरान सारे क्षेत्रों में बाइक से अपने पुलिस बल के साथ लोगों को जागरूक करने का काम किए। उनके सहयोग में उप निरीक्षक बलराम कुमार ने भी यूनाइटेड क्षेत्र में लोगों को शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ सड़वा चौकी इंचार्ज परलोक चौधरी, रामपुर चौकी इंचार्ज विनय तिवारी, SI ब्रह्मेश मिश्रा ने भी अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक होली मनाने के लिए लोगों से अपील की। इस मौके पर श्याम सुंदर कांस्टेबल, राजेंद्र कुमार कांस्टेबल, आशीष कुमार कांस्टेबल, विनोद कुमार हेड कांस्टेबल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रयागराज मंडल संवाददाता रोहित शर्मा की रिपोर्ट।